मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंजू, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम अविराज वर्ल्ड स्कूल. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट टू इन आवर इंग्लिश क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड अ लेसन व्हिच एंड इज कैट. तो आपने बेटा वहां तक आपने लेसन पढ़ा होगा, थोड़ा सा आई होप आपको समझ में भी आया होगा. सो व्हेन वी विल स्टार्ट अ लेसन, सो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं लेसन का हम लोग कि हमने अपने पिछले लेसन में ये लेसन किस चीज के बारे में. ओके, तो आपने देखा था इसमें रिचर्ड मिलिंगटन थे. ओके, पहले तो वो क्या थे, लिव इन पॉवर्टी, ना गरीबी में जीते थे. बट वन डे क्या हुआ, ही मेड थ्रू द सेल ऑफ हिज कैट टू अ रैट इन्फेस्टेड कंट्री, ही बिकेम अ वेल्दी पर्सन, है ना, रिच पर्सन जो है वो बन जाते हैं. सो ये पूरी स्टोरी जो है वो इस चीज के बारे में, कैसे एक गरीब एक लड़का जो पुअर है ना, वो कैसे जो है बाय लक वो अमीर हो जाता है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर रिमेनिंग लेसन. पेज नंबर 64. आफ्टर सम डेज मिस्टर फिट्ज़वेंस शिप वाज रेडी टू सेल. अब जो फिट्ज़वेंस, जो आपने आपको बताया था कि एक मर्चेंट है, तो अब उनकी शिप जो है वो जाने के लिए तैयार है. ही कॉल्ड फॉर हिज सर्वेंट्स, वो अपने सर्वेंट्स को बुलाता है. It was the custom that everybody gave something they owned or made to be sold a foreign land. अब ये custom था वहाँ का, एक रिवाज था कि हर कोई जो है वो कुछ न कुछ servant जो है वो उसको देगा, जो कि ship में जा रहा है captain उसको देगा, और फिर वो दूसरी country में उन चीजों को लेकर जाएगा. Okay? The captain would return with the money for it. और जो भी चीज आप देते हैं उसके बदले जो कैप्टन वहां वो चीज देकर आएगा और अपने साथ में क्या लेकर आएगा, मनी लेकर आएगा. पुअर विंगटन हैड नथिंग बट द कैट. अब पुअर विंगटन के पास कुछ भी नहीं थी, केवल क्या चीज था बेटा, कैट. ही गेव हिज कैट टू द कैप्टन. तो उसने क्या किया बेटा, अपना जो कैट है वो किसको दे दिया, कैप्टन को दे दिया. द शिप सेलर, अब शिप जो है वहां से चल दी. शून द सेलर फॉर फेसिंग अ मैरिज. अब सेलर जो थे, जो शिप के ऊपर जो भी नाविक थे ना, उन सब के आगे एक डेंजर आ गया, खतरा आ गया. क्या खतरा आ गया बेटा, द शिप वॉज फुल ऑफ रैट्स. अब शिप किससे भर गई बेटा, चूहों से, रैट्स से. दे निबल द फूड एंड टोर द क्लोथ्स. अब वो रैट्स क्या करते थे बेटा, खाना खा जाते थे और जो क्लोथ्स थे है ना उनको काट देते थे, फाड़ देते थे. द सेलर्स वर इरिटेटेड. अब इन सब चीजों से जो सेलर्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, इरिटेटेड हो गए, चिड़चिड़े हो गए, है ना, एंग्री हो गए. The captain sent Hector's cat out of his room, hoping that it would kill a few rats. अब जो कैप्टन था उसने क्या किया, उस कैप्टन ने जो कैट की मेंटेन की उसको उसके रूम से बाहर निकाल दिया ताकि वो कुछ चूहे जो है वो खत्म कर दे कुछ. ओके, अ फ्यू. बट Hector's cat killed all the rats. लेकिन Hector के कैट ने क्या किया बेटा, सारे रैट्स को जो है वो मार दिया. द कैप्टन ऑफ द सोल्जर्स वर वेरी हैप्पी. जो कैप्टन्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो ये देखकर बहुत ज्यादा क्या हुए, हैप्पी हुए. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी द शिप रीच्ड एज अ पोस्ट ऑफ बेलवेन. बेलवेन भी एक जगह है, ठीक है ना, बहुत लंबी यात्रा के बाद में वो वहां के तट पर पहुंची. क्या, शिप. द कैप्टन सेंट पैटर्न्स ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैड टू द किंग ऑफ द कंट्री. अब जो चीजें वो अपने साथ में लाया था उसकी उसने एक लिस्ट बना ली, एक पैटर्न बना लिया, और जो वहां का किंग था उसके पास में पहुंचा दिया, है ना, कि हम आपके लिए ये चीज लेकर आए हैं. सून द किंग इनवाइटेड द कैप्टन टू हिज पैलेस फॉर डिनर. और फिर बहुत जल्दी जो है जो वहां का किंग था उसने कैप्टन को किसके लिए बुला लिया बेटा, रात के खाने के लिए, डिनर के लिए. जस्ट एज दे वर अबाउट टू सिट डाउन टू डिनर. और जैसे ही वो लोग बैठने वाले थे किस चीज के लिए, डिनर लेने के लिए, अ लार्ज नंबर ऑफ माइस रश्ड इन एंड स्टार्टेड निबलिंग द मीट. बहुत ज्यादा जो है वो संख्या में रैट्स आ गए वहां पर और सबके सब क्या खाने लग गए, मीट, जो भी खाना वहां पर था. द कैप्टन वाज शॉक्ड एंड आस्क्ड. अब कैप्टन शॉक्ड हो गया और उसने कहा, हाउ डू वी टॉलरेट दिस कैट्स. अब कैप्टन शॉक हो गया कि आप लोग कैसे सेव कर रहे हो पैट्स को. पैट्स क्या होते हैं बेटा, जो नुकसान पहुंचाते हैं चीजों को. तो अब यहाँ पैट्स किसके लिए आया है, रैट्स के लिए, ठीक है ना. तो कहते हैं आपको कैसे टॉलरेट कर रहे हो, खाने के ऊपर ये घूम रहे हैं चूहे. हाउ वुड यू टॉलरेट दैट. टॉलरेट मींस क्या होता है बेटा, सहन करना. वी आर हेल्पलेस द किंग सेड. किंग ने कहा कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते.
I offered a huge reward to anyone who will help us to get rid of them. बल्कि मैंने एक रिवॉर्ड भी रख दिया था, एक इनाम भी रख दिया था कि अगर कोई हमें इन रैट से छुटकारा दिला देता है तो हम उसे ये रिवॉर्ड देंगे. बट nobody has been able to do anything. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि वो इसके लिए कुछ कर सकता, मतलब किसी ने भी हमें रैट से छुटकारा नहीं दिलाया. द कैप्टन रिमेम्बर्ड वेंगटन्स कैट एंड सेड. अब कैप्टन को कौन याद आ गया बेटा, वेंगटन की कैट. डू नॉट वरी योर मैजेस्टी, कहते महाराज आप चिंता ना करें. आई हैव द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम. आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत ही उचित सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है. द किंग सैड सैडली. अब किंग ने जो है बड़े उदासी से बोला, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं रहे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ. द पैट्स आर इन थाउजेंड्स. ये जो रैट्स है, पैट्स रैट्स के लिए आया, ठीक है, ये जो रैट्स है ये हजारों की संख्या में है. वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने हर चीज की कोशिश कर ली है ना, उनको छुटकारा पाने के लिए हमने हर चीज की कोशिश कर ली, बट वी आर फेल. द कैप्टन रिश्योर्ड द किंग. अब कैप्टन ने उसको जो है वो क्या दे दिया कि भाई आप जो है श्योर है कि हम आपको छुटकारा दिला देंगे. फिर क्या होता है, मिस्टर फिट्ज़न वुड हैव नन ऑफ इट. लेकिन मिस्टर फिट्ज़न
फिट्जवेल ने उसमें से कुछ नहीं लिया। विंटर वॉज टू काइंड हार्टेड, वो बहुत ही दयालु था। टू कीप इट ऑल टू हिमसेल्फ, अपने पास भी रख सकता था सारे खजाने। ही शेयर द ट्रेजर विद द कैप्टन, लेकिन उसने वो खजाने किसके साथ में शेयर किया बेटा, किन किन को दे दिया? कैप्टन को दे दिया, द मैन जो उसके और उसके जो दोस्त थे उनको, एंड द रेस्ट ऑफ फिट्जवेल सर्वेंट्स, और फिट्जवेल के जो सर्वेंट्स थे नौकर थे उनको दे दिया, बांट दिया उसने। इवन ओल्ड इल नेचर्ड कुक जो बीमार होती थी उसके, है ना, उसको भी दे दिया। मतलब उसने जो अपना ट्रेजर है वो सब में शेयर कर दिया। रिचर्ड वेलिंगटन दस हैड दिस ड्रीम्स कम ट्रू। अब रिचर्ड वेलिंगटन की जो ड्रीम थी, कौन सी ड्रीम? कि एक दिन आएगा, है ना, उस सपने क्या देखता था दिन के अंदर, कि वो अपने, वो एक नाइट है, वो एक शूरवीर है, और कैट से वो लोगों को किसी से छुटकारा दिलाएगा चूहों से। वाकई में वो उसका ड्रीम जो है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी बेटा, स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी